हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे चकली। तो यहाँ पे मैंने ये भाजनी का आटा लिया है, तो ये मैंने मार्केट से रेडीमेड आटा लिया है। तो ये मैंने एक बाउल लिया है यहाँ पे, और उसमें मसाले हमने लिए आधा चम्मच हींग, 2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा पसंद करते हो तो और मिर्ची ले सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर, और 2 चम्मच यहाँ पे तिल लिया है, सफ़ेद वाली तिल, और नमक लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल पानी लिया है, तो पहले हम इसे बॉईल करेंगे पानी को। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, और उसमें मैं एक बाउल पानी गर्म करने को रखूँगी। जब ये पानी गर्म हो जाए तब हम इसमें आटा डालें। उनके लिए मैंने देखिए तड़का पैन लिया है, उससे थोड़ा सा कम मैंने तेल लिया है, तो पहले से भी हम गर्म कर लेंगे। जब हम इसमें मसाला डालेंगे तब तेल गर्म तेल हम आटे में डालेंगे, तब तक हम इसे कम गैस पे गर्म करने रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें बॉयल आने बाकी है, तो इसमें हम तब तक सभी मसाले डाल देंगे। यहाँ पे हम सभी मसाले डाल देंगे। और नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन्हें मिला लेंगे अच्छे से। अगर आपको पानी ज़्यादा लगे तो आप पहले जब पानी गर्म हो जाए तो थोड़ा पानी साइड में निकाल के रख दे, बाद में जब आटा डालेंगे अगर जब कम लगे तो उसमें और पानी डाल सकते। ये जो हमने पानी लिया ये एकदम परफेक्ट है। अब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें आटा डालेंगे। तो देखिए यहाँ पानी को उबाल आ गया है, अब हम गैस को लो में कर देंगे, गैस की फ्लेम हम लो करेंगे और उसमें आटा डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, बस हमें इसे मिलाना है, पकाना नहीं। इसमें मिला के इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसमें तेल डालना भूल गई थी, तो आप ऊपर से भी हम तेल डाल देंगे इस तरह से। इससे चकली हमारी कुरकुरी और अच्छी क्रिस्पी बनेगी। इसे मिला लेंगे हम। और इसे ढक के रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा आटा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसे एक बार चेक कर लीजिए कि आपका अगर नमक कम हो इसमें तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। आटे की इसमें लम्स ना रहे, ध्यान रहे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चकली मेकर लेंगे। तो यहाँ हाथों में पहले तेल लेंगे हम, इस तरह से तेल लगाएंगे और थोड़ा सा डो लेके इस तरह से हम लंबी लोइयाँ बनाएंगे उसके। तो 1-2 लंबी लोइयाँ हम बना के रखेंगे। इस तरह से अब हम चकली मेकर लेंगे और उसमें ये डो डालेंगे हम। तो यहाँ पे हम एक थैल लेंगे, उससे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और एक चकली मेकर लेंगे, उसे भी हम
इस तरह से चकली का हम ये साचा डालेंगे और अंदर से हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। इसके अंदर हम इसे अच्छे से लगाने के बाद यहाँ पे हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तब तक हम चकली हमारी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सच में ये डो डालेंगे हम। और इसे अच्छे से फिट कर लेंगे। और इसमें हम चकली बनाएंगे इस तरह से। आपको अगर जितनी बड़ी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसकी चकली बना सकते हैं। तो पहले हम सब चकली इस पे बना के तैयार कर लेंगे, बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसकी चकलियाँ बना लेंगे। इसी तरह हम सभी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। तो देखिए हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, थोड़ा सा डाल के देखेंगे। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चकली डालेंगे एक एक करके। गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे अभी, और इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना क्योंकि जल जाएगा, ये ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। इसे अभी हमें पलटना नहीं है, अगर पलट नहीं जाएंगे तो टूट जाएगा ये। तो थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे यहाँ पे। अब ये इस चम्मच से हम इस तरह से पलटी करेंगे उन्हें। एक एक करके हम सभी पलटी कर देंगे। देखिए हमारे यहाँ पे चकली फ्राई हो चुकी है, इसका झाग आना भी बंद हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बन गई है हमारी ये चकली। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, इसे निकाल लेंगे और दूसरा वाला हम तब तक डालेंगे।
इसे भी निकाल लेंगे हम, ये बन गई है अभी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये चकली बनके तैयार है और बहुत ही बढ़िया है, खाने में भी कुरकुरी है, क्रिस्पी है और टेस्टी भी है। तो देखिए लग रही है ना बढ़िया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।